क्या योगी राज में बढ़ रहा है अपराध? कहां गए जो करते थे अपराध कंट्रोल की बात? प्रदेश में पहले मिला फर्जी सिपाही, अब वर्दी पहनकर बन गए एडीजी साहब। जी हां, ये सवाल है यूपी की जनता का, जिन्होंने वोट किया और सपने देखे और बाबा योगी की सरकार पर भरोसा किया कि हमें रोजगार मिलेगा, अपराध के अंधेरे को काट बीजेपी सरकार रोशनी फैलाएगी। लेकिन प्रदेश में सब गोलमाल है। दरअसल यूपी के संभल जिले में पुलिस और एसओजी की टीम ने एडीजी और एसपी संभल का फर्जी पीआरओ बनकर लोगों के साथ ठगी करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से ठगी करता था और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं थी। वैसे तो ये नया मामला नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश में फर्जीवाड़े का खेल खूब खेला गया। कुछ दिन पहले एक युवक फर्जी दरोगा बन गया, तो वहीं दूसरी ओर कोई अधिकारी बन लोगों के बीच भौकाल बनाते हुए गिरफ्तार किया गया। हम बात कर रहे हैं फर्जी एडीजी के फर्जी पीआरओ की। जी हाँ, ये मामला बहजोई थाना इलाके का है, जहाँ गिरफ्तार आरोपी संदीप काफी समय से पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को एडीजी बरेली जोन और एसपी संभल का पीआरओ बताकर थानों में दर्ज मामलों में मदद करने का झांसा देकर लंबे समय से लोगों के साथ ठगी कर रहा था। ठगी का शिकार हुए बहजोई थाना क्षेत्र के पवासा गांव की एक महिला ने फर्जी पीआरओ पर एक केस में मदद करने का झांसा देकर 50,000 रुपए ठगने का आरोप बहजोई थाने में दर्ज कराया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फर्जी पीआरओ को गिरफ्तार कर लिया। संभल एसपी ने मामले का खुलासा किया और पूरे मामले की जानकारी दी। आज बहजोई पुलिस तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संदीप पाल पुत्र विजय पाल सिंह है। ये थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम असमौली का रहने वाला है, वर्तमान में ये अमरोहा जिले में रह रहा है। इसके द्वारा एसपी संभल का पीआरओ अपने आप को बताते हुए तथा एडीजी जोन बरेली का पीआरओ कुछ लोगों को बताते हुए कुछ लोगों से मुकदमे में मदद कराने के नाम पर अवैध वसूली की गई थी। जब इस तरह की कंप्लेंट हमारे यहाँ प्राप्त हुई तो हम लोगों के द्वारा इसको ट्रेस करने की कोशिश की गई। इसमें अभी 3 कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिनके आधार पर थाना हजरत नगर गढ़ी में मुकदमा अपराध संख्या 225/22, थाना हयातनगर में 286/22 तथा थाना बहजोई में 594/22 धारा 386 388 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं। इसके जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से पुलिस की पूरी यूनिफॉर्म, 2 फर्जी पुलिस के आई कार्ड, 2 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सामग्री बरामद हुई। एसपी और एडीजी का फर्जी पीआरओ बनकर लोगों के साथ ठगी करने के आरोपी संदीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे मामले उजागर होने पर सवाल उठने लगे हैं कि योगी सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई करने के बाद भी अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।